मेरी एक चप्पल ढूंढ रही, मेरी चप्पल पहन के चली। ऐसे काम करते हैं मेरे भाई लोग, देखो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज ना सब लोग बिना नहाए नाश्ता करने के लिए चले गए। मैं एंटियान अभी नहा के जा रहे हैं। आंखें देख सकते हो आप मेरी, पूरी लाल लाल हो चुकी है बिकॉज बहुत रात को, रात तक, बहुत देर रात तक जाग रहे थे हम लोग। अभी टियान को गार्डन में खेलना है, सो मैंने सोचा कि नहा के ही नीचे उतरते हैं, तो फिर मैं उसको ब्रेकफास्ट करा के, खुद का करके, फिर हम लोग गार्डन में खेलते रहेंगे, बाकी सब लोग वापस जाएंगे। यहाँ पे ना पूरा शादी जैसा ही माहौल है बिकॉज़ कुछ खाना वाना ना तो बनाना नहीं है, बस सुबह शाम खाओ और बातें करो, सो जाओ। सोने का नाम नहीं है वैसे, सब लोग साथ में मिलते तो सोते तो है नहीं वैसे भी। अभी आज सेकेंड डे है, अभी मैं आज रात को घर पे जाऊंगी वापस बिकॉज थोड़ा काम है, फिर हम लोग फिर से एक दिन बाद वापस आ जाऊंगी। अभी चलते फास्ट फास्ट ब्रेकफास्ट करने बिकॉज मुझे लगता है मैं अकेली रहूँगी। सब लोगों का हो गया होगा बिकॉज हम लोग थोड़ा लेट ही हो गए। हाँ ना बेबी, हाय स्वीटू, किट्टू आ गई हूँ। हाँ पुलिस पुलिस, ओ स्लोली आंटी यार, झूला माँ कौन बेशाल से। हाँ उभो रे, उभो पकड़ो, किट्टू को गुस्सा आया है बहुत। गुस्सा देखो मारूंगा, गुस्सा गेटा नहीं किट्टू, गेटा गेटा बहु प्यार करी तो बहु गुस्सो आवे, जूत जूत नीचे उतारो, बहुत हो गया नीचे उतारो अभी। क्या लियो मम्मा, क्या लियो मम्मा, क्या लियो ऐसे काम करते हैं मेरे भाई लोग, देखो। जीजू जो आवा काम करे आ लोगों को, जीजू एमडीएम आएगा, इनको पगार नहीं मिलेगा। हां पगार काटना चाहिए इसका, तो आओ जी सपोज ना कोई काम कर हट जावा नहीं दे, मैंने फोन ऊपर रैपिड करो, ऐसा चलता है क्या, काम करने वाले की कमी, आधे लोग मोबाइल पकड़ के वीडियो उतार दे। हां काम ऐसा ऐसा हो जाता, वीडियो उतारते नहीं बोलते, वीडियो उतारते। हां तुम वीडियो निकालते हो फिर हमारा आई ऐसा हो जाता है। हां ऐसा ऐसा गुस्सा गया नहीं अब तक, गुस्सा नहीं गया अब तक किट्टी का। ओ नानू को मत मारना, नानू का पहली बार आवी है। अरे सो नहीं करती मोटू जो तो खड़ूस ए क्यूटी
क्या हुआ गीतू को, क्या हुआ? ये ना मेरी चाची है, ये सुमन की मदर इन लॉ एंड वो मेरी मॉम। बहुत दिनों के बाद आज मिले हैं, बहुत महीनों के बाद एक्चुअली, तो बहुत सारी बातें करनी है। ये देखो, ये देखो मेरी चप्पल कहाँ है, ये बता सारी चप्पल बता। इसको चप्पल समझ में नहीं आया, मैं मेरी एक चप्पल ढूंढ रही हूँ, मेरी चप्पल पहन के चली गई थी। एम नहीं पर तारी बेली से मारी चप्पल है, तन खबर ना पड़ी। अगेन स्लीप ईट रिपीट, फिर से चले लंच करने। लंच के बाद तो सोना ही है बिकॉज एक्सट्रीम नींद आ रही है। रात को सोने नहीं मिला था एक्चुअली, सुमन का 5 बजे ऑर्डर था सुबह, सो वो सुबह 5 बजे उठ के, रात को लेट सोए एंड वो सुबह 5 बजे उठ के इतना उसका मेकअप का सामान सब सेट कर रही थी, तो लाइट ऑन करके सब इतना आवाज़ हो रहा था ना कि नींद फिर खुल गई तो फिर नहीं आती है। Years later. 50,000 subscribers. Thank you so much, everyone. मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने कम टाइम में मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिल जाएगा। मतलब आई कांट बिलीव कि इतने कम टाइम में हो जाएंगे। अप्रैल में मैंने चैनल स्टार्ट किया था, सो मैंने सोचा नहीं था कि चैनल स्टार्ट करने में भी ऐसे चल रहा था ना कि करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ, किया एंड इतना ज़्यादा सक्सेस मिला इतने कम टाइम में, सो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ मैं। धीरे धीरे ऊपर दर्शन सुधी, पहलू भगवान ना चरण, पछी घूटणना, पछी एना वृक्षस्थळना, अने पछी मुखारविंदना दर्शन करो, अने पछी सर्वांग दर्शन करो, सोनू बनी जाए बराबर। આ નક્કી જ છે, પણ જોયું હોય નથી આ, કદાચ પારસ મણી મળે ને પછી ક્યાંક ફેંકી દઈ દો, પેલાને વિશ્વાસ જ ના। મહારાજ કે ડબ્બી ખોલ, જ્યાં ડબ્બી ખોલે ને એટલે ડબ્બી ખોલી, અને મહારાજ કહે આ પારસ મણી, બોલે કે આ પારસ મણી હોય ના ડબ્બી ન થઈ। પારસ મણી નો ટુકડો હતો, એક કપડાના ચિત્રામાં બાંધેલો હતો, કપડામાં બાંધેલો હતો એટલે સીધો લોઢાને સ્પર્શ ન થતો। गिफ्ट मिल रहे हैं। ये चाची हमेशा बहुत अच्छे अच्छे बैग्स देती है, लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा दिया था। कलर चॉइस मिलेगा मैम, मिलेगा? कलर चॉइस नहीं है, नाम नहीं है। ओ अरे आज पूरा दिन ये मैडम गायब थे, सुबह 5 बजे से गायब थे, मेरी नींद हराम करके। थोड़ी बार दोपहर को सो गए थे, 5 बजे उठी और आज 50,000 सब्सक्राइबर्स हुए ना, तभी मैं सोई हुई थी। इसका कॉल आया, भाई का कॉल आया, फ्रेंड का कॉल आया, मतलब मुझसे ज़्यादा खुशी इन लोगों को है। भाई ने ग्रुप पे मैसेज किया 50 के हो गए, और मैंने इसको वीडियो कॉल किया, ये सोई थी, मतलब 50,000 नींद में हुए इंसान के। जब भी मैंने चैनल स्टार्ट किया ना, तभी मतलब मैं इसको पूछ, हम लोग दोनों ना सब चीज़ें एक दूसरे को पूछ के ही करते हैं। फिर मैंने इसको पूछा कि मैं चैनल स्टार्ट करूं या नहीं, तो इसने मुझे बोला कि तू मत कर, तुझसे नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है मैं कितना बिजी रहती हूँ, तो उसने बोला तुझे एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो तू मत कर। मैं पूछती सब हूँ बट मैं सुनती नहीं हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि करते हैं, जब होगा टाइम, जब मिलेगा तब कर लेंगे, इतना तो है नहीं कि रोज़ रोज़ करना है।
यहाँ पे ये जो हॉल है ना वहाँ पे कथा होती है, ये जो विंडोज दिख रही है ना वहाँ से अभी निकाल दिया है, तो अभी यहाँ पे आके बैठ गए, पर घर पे नहीं जाना है। घरे नहीं जाओ, घरे नहीं जाओ, घरे नहीं जाओ, नहीं जाओ। कांग्रेचुलेशंस, 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 50k सब्सक्राइबर्स। वाओ, रो रही है तू? अरे उन्हें केक खावी थी किट्टू ने। हैप्पी बर्थडे टू कांग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस ना 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 आगर हाकी जमा केक की हालत देखो, टूट पड़ो। थैंक यू फॉर बढ़िया। मैं हमें आप कुछ बोलना चाहते हो? हम कैमरे के आगे नहीं, हम कैमरे के पीछे वाले लोग हैं। आज सुबह से घर पे नहीं थी, जब भी 50k सब्सक्राइबर्स हुए ना तो मुझे लगा था कि ये होगी ना तो कुछ स्पेशल प्लान करती, क्योंकि ये हमेशा करती है, बट तभी नहीं थी, बट रात में आके भी किया, उसके लिए थैंक यू सो मच, लव यू। और मैंने इसको बोला ना तो मुझे बोलती अच्छा हुआ मैंने किया क्योंकि मुझे लगा था कि करेगी ऐसे, और मेरे को लग रहा था कि बोर हो रहा है तो नहीं, बट मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि रात में आके भी करेगी, मैंने सोचा था दोपहर में जब ये हुए तब वो होती तो कुछ करती ऐसे। दोपहर में हुए तभी वीडियो कॉल किया था। अभी हम लोग चले वापस, दो दिन बहुत अच्छे थे, दो दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, वापस घर पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बट कल बहुत सारा काम है, कल बहुत सारे अपॉइंटमेंट भी हैं, दूसरा भी काम है, एंड अभी मैं परसों आऊँगी वापस फिर से, बट कल पेश नहीं आएंगे, अभी सिर्फ मैं आऊँगी एंड टियान भी नहीं आएगा ना, टियान अब आओगे, सो मैं एंड टियान परसों आएंगे, अभी 31st तक चलने वाला है, सो क्रिसमस वैकेशन मेरा यहाँ पे स्पेंड होने वाला है। One hour later. फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं। आई नो आप लोगों को मेरे एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं लगे होंगे, बिकॉज 95% जितना अज्यूम ना मैंने पहले ही कर लिया था। मेरी जो सिस्टर है नीरू, हम लोग सब बैठे हुए थे और वो मुझे बुलाने आए कि चल 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 जल्दी चल, ऐसे एकदम रोती से शक्ल लेके। सो मैंने बोला क्या हुआ, बैठने देना यार शांति से थोड़ी देर, तो बोलती नहीं नहीं चल चल चल। तो मैंने बोला क्या हुआ, किसी को लगा बिकॉज हम गार्डन में बैठे थे तो बच्चों को लग भी सकता है गिर सकता है, तो बोलती नहीं नहीं मैटर हुआ है मैटर हुआ है। तो मैं बहुत डर गई बिकॉज हमारी फैमिली ना बहुत फन लविंग एंड हैपनिंग है, जो लोग मुझे पर्सनली और हमारी फैमिली को पर्सनली जानते हैं सबको पता है, तो हमारी फैमिली में ना ऐसे झगड़ा या मैटर कभी होता ही नहीं है। तो एक सेकेंड के लिए ना मेरी ऐसे बोलते हैं ना कि हार्ट बीट स्किप हो गई थी कि क्या हुआ। इतनी बड़ी फैमिली है हमारी, आप लोगों ने भी देखी है ऑब्वियसली, मैं हमेशा दिखाती हूँ, बट
मैं छोटी से बड़ी हुई तब तक मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि कभी भी मैंने एक बार भी लाइक झगड़ा देखा हो. टचवुड, बहुत नसीब वाली हूँ मैं. बहुत नसीब वाले लोगों को ऐसी फैमिली मिलती है. सो मैं उस चीज़ को लेके तो श्योर थी कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा. बट मैटर हुआ ऐसा बोलते हैं तो फिर ऐसे लगता है ना कि क्या मैटर क्या हो सकता है ऐसे. एंड मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे सब लोग बैठे हैं मस्त हंस रहे हैं. तो मैंने बोला क्या हुआ सच बता. तो बोलती है अरे रुकना रुकना. फिर मुझे मैंने उसको पूछा कि मेरे लिए सरप्राइज है क्या, क्योंकि मुझे समझा कुछ हुआ तो नहीं है. तो वो बोल उसने ना थोड़ा सा ब्लश किया, बोलती नहीं है तो रुकना. तो फिर मुझे समझ गया कि अभी सुमन आई है तो कुछ तो हो सकता है. बिकॉज सुमन ना मेरे बर्थडे पे या मतलब पहले से वो हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करती ही आई है. एंड ये तो बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए एंड उसके लिए भी. एंड सुमन वो टाइम पे दिख भी नहीं रही थी. सो तभी मैं 100% श्योर हो गई कि कुछ तो सरप्राइज है. सो मैंने मेरे फोन का कैमरा ऑन करके ही रखा था, ऑब्वियसली मुझे रिकॉर्ड करना था. एंड गार्डन में लाइट्स भी नहीं थी बिकॉज 11 बज रहे थे तो वो लोग लाइट्स एंड सब बंद कर देते. तो सुमन आई अपनी बड़ी सी लाइट लेके, केक लेके. सुमन के लिए मुझे बुरा लगा, मतलब मेरे लिए बुरा लगा बिकॉज वो केक रख के किटी रो रही थी. सो वो एंड किटी चले गए. किटी को भी केक खानी थी, सुमन को भी केक बहुत पसंद है, उसको भी खानी थी. बट वो दोनों जब भी हम लोग ने केक कटिंग किया तभी वो लोग नहीं थे बिकॉज सुमन उसको लेके चली गई थी. एंड जब तक वो वापस आई तब तक ऑब्वियसली इतनी बड़ी फैमिली है तो केक खत्म हो गया था, सबने खा लिया था. मैंने उसको बोला भी कि बता के क्यों नहीं गए, अगर बता के जाते तो उसके लिए वेट करते क्योंकि उसने इतना सारा प्लान किया था. बट पता नहीं था ना कि किटी को कितना टाइम लगेगा सोने के लिए. एंड रात को लेट भी हो गया था, हम लोगों को भी वापस घर पे जाना था एंड सब लोग सोने भी जाने वाले थे. तो उसने बोला कि तो वो नीरू को बोल के गई थी कि तुम लोग कट कर लो मैं आती हूँ ऐसे. सो मुझे तो बाद में पता चला कि जब केक खिलाने के टाइम मैं उसको ढूंढ रही हूँ तो वो नहीं थी वहाँ पर. बट येस, मेरे लिए इससे अच्छा कोई सेलिब्रेशन नहीं हो सकता. आप लोगों को बहुत छोटा लगा होगा बट खुद की फैमिली के साथ जो सेलिब्रेशन होता है ना वो कभी छोटा नहीं होता है. मैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ वो सब लोग मेरे साथ है तो फिर मेरे लिए इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता. अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए.